नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है तो कलश स्थापना, पहले दिन की पूजा, ज्वार वाटिका कैसे लगाएं, ये सब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पर उसके पहले काफ़ी जो सामान की लिस्ट है वो एक ज़रूर प्रिपेयर करके रख लें। थोड़ी सी प्लानिंग करने से काम आसान हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप व्रत के एक दिन पहले, दो दिन पहले ये सोचें मार्केट जाने के लिए तो काफ़ी मुश्किल होती है, मार्केट में भीड़ भी होती है। तो कुछ टाइम पहले ही एक सामान की लिस्ट आपके पास रहेगी तो आप कुछ टाइम पहले ही वो सामान बाज़ार से परचेज़ करके ले आ सकते हैं, ताकि आराम से शांति से पूजा पाठ कर सकें। जो सामान लगता है वो हम सारा एक लिस्ट बना के वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको आसानी हो जाए, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। हम ये एक मिट्टी का बर्तन ले लिए हैं और इसमें बालू या कोई भी मिट्टी आप ले लें। और इसमें हम सबसे पहले ये जौ लिए हैं, क्योंकि हम जो कलश स्थापना करेंगे वो इसी में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जौ बो देते हैं और इसको नवरात्रि के बाकी 9 दिनों में भी इसको सींचते रहना चाहिए, ताकि अच्छे से अंकुर निकल सकें। थोड़ा सा मिट्टी में इसको ज्वार बाटी का तैयार करने के लिए जौ तो हमने रोप दिए इसमें। अब हम कलश स्थापना के लिए ये पीतल का लोटा लिए हैं और इसमें स्वस्तिक बना लिए हैं। तो इसमें पहले हम इसके यहाँ पे मौली बांध देंगे। इसमें जल भरा हुआ है, जल भर के हम स्वास्तिक निशान लगा लिए थे। तो इस लोटे को या जो भी आप मिट्टी का पात्र ले रहे हैं, मिट्टी का घड़ा जो होता है छोटा सा, इसमें बिठा देंगे। अगर आप ज्वार वाटिका नहीं लगा रहे हैं तो चावल से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर सेम ऐसे ही लगा सकते हैं। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, ज्वार वाटिका के ऊपर ही, जहां मतलब जो मिट्टी का बर्तन लिए हैं उसी में मिट्टी भरकर जौ लगाकर और उसके ऊपर ही कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश के ऊपर नारियल रखने के लिए हमने ये नारियल को धो लिया था। पहले इसमें हल्दी से 5 बार टीका करेंगे, कुमकुम, और सिंदूर। तो नारियल की इस तरह से पूजा करके और कोई लाल कपड़ा या चुनरी इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेंगे। और इसके ऊपर कलावा बांध देंगे 3 बार या 5 बार। तो नारियल हमारा तैयार है, इसको रख देते हैं साइड में। अब हमने इस कलश में जल तो पहले ही भर लिया है, सादा जल और गंगा जल थोड़ा सा। और इसमें हम डालेंगे सिक्का एक, एक सुपारी, थोड़ी सी मिश्री, और मतलब मिश्री मीन्स बताशा भी आप ले सकते हैं, थोड़े से अक्षत और ये साबुत हल्दी, इसे इसमें डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे पंच पल्लव या 7 पल्लव, आम का, अशोक का पत्ता, कोई भी, 5, 7, 9, ये 5, 4, 9 पत्ते हो गए। और अब हमने ये जो नारियल तैयार किया था वो इसके ऊपर रख देते हैं। और ये ज्वार वाटिका, ये हमने जो चौकी बिछाई है
उस पर रख देते हैं। ध्यान से ऐसी जगह पर रखें जहाँ से इसे हटाना ना पड़े। ये जो चौकी है इसको हमने तैयार किया है, इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया है लाल, और इसको थोड़ा सा शुद्ध करके और हल्दी लगा दी थी कोनों में। साथ ही हम एक श्रीफल की भी पूजा करते हैं साथ में, तो उस नारियल के अलावा जो कलश पे रखा हुआ है उसके अलावा एक नारियल रखेंगे, और ये पान के पत्ते पर सुपारी में कलावा लपेटकर ये गणपति जी को विराजमान कर दिया है, क्योंकि हर पूजा में गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है। अब हम दीपक जला लेते हैं, क्योंकि दीपक को भी हम एक देवता के रूप में मानते हैं और इनकी भी पूजा की जाती है, तो पहले ये सारी चीज़ें हम रख लेते हैं वहाँ पे, फिर एक साथ पूजा करेंगे। तो यहाँ हम रख लेते हैं दीपक, धूप भी जला लेते हैं। तो दुर्गा माता के साथ दुर्गा सप्तशती, कलश, ज्वार वाटिका, श्रीफल, गणपति और दीपक हमने रख दिया है। अब हम पूजा की सभी सामग्री एक जगह इकट्ठा कर लेने के बाद व्रत का, पूजा का संकल्प लें। हे माँ भगवती, हमें सद्बुद्धि दें, भक्ति दें और शक्ति दें ताकि हम आपके व्रत और पूजा कर सकें। हम पूजा करने के लिए सबसे पहले ये लोटे में शुद्ध जल है, इसे स्नान कराएंगे सभी को। और ये हमने छोटी छोटी कटोरियों में सिंदूर, रोली, हल्दी और चंदन लिया हुआ है। तो सबसे पहले गणपति की पूजा करेंगे, तो तिलक करते हैं हल्दी से, कुमकुम, चंदन और ये थोड़े से फूल हम चढ़ाएंगे। इसके बाद जो हमने कलश ये स्थापित किया है और ज्वार वाटिका स्थापित की है, इनको भी करेंगे सेम, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और चंदन। ये जो पंच पल्लव हैं इन पे भी, मतलब पांच या सात जितने भी आपने लगाए हैं उन पे भी हल्दी, कुमकुम, और सिंदूर। ज्वार वाटिका पर भी बहुत सरल विधि से हम पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं, ताकि कोई भी जो घर में करना चाहता है बिना पंडित जी के वो आराम से कर सके, क्योंकि हम खुद भी ऐसे ही करते हैं। तो ये ज्वार वाटिका के लिए जो बर्तन लिया था इस पे भी हमने लगा दिया है, चंदन भी लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़े से फूल चढ़ा देते हैं आम के पल्लों पर भी, और नारियल पर भी। अब हम श्रीफल की पूजा करेंगे, तो इनको भी हल्दी से टीका करेंगे, तिलक, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, और इन्हें भी कुछ पुष्प अर्पित करेंगे। इसी तरह से हम दीपक की भी पूजा करते हैं, ये माता रानी को और दुर्गा सप्तशती को भी।
और माता को लाल फूल बहुत पसंद है, विशेषकर ये गुड़हल वाले। तो ये गुड़हल के फूल हम कुछ इन्हें चढ़ा देते हैं, कुछ इधर दुर्गा सप्तशती में। और ये एक फूलों की माला हम ले आए थे, ये लाल माला नहीं मिली तो लाल गुड़हल वाले चढ़ा दिए हैं। और ये गेंदे की माला, और माता का कोई भी श्रृंगार चुनरी के बिना अधूरा है। तो ये चुनरी, दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कपड़ा, ऐसा वस्त्र चढ़ाएं जिसे हम या कोई भी उपयोग में ले सके। तो ये हम एक दुपट्टा लिए हैं जिसे हम इनको पहना देते हैं, और इसके बाद आप चाहें तो इसे दान कर सकते हैं। हम तो इसे खुद ही यूज़ कर लेते हैं, साड़ी चढ़ाना चाहें या दुपट्टा चढ़ाना चाहें, मेरे लिए ये ज़्यादा काम का है तो हम इसे भी पहना देते हैं। पहले इसे पहना दिया और उसके बाद ये चुनरी। छोटा सा थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लाए हैं, वो भी यहीं पे रख देते हैं। ये बिंदी है, मेहंदी है, सिंदूर और ये चूड़ियाँ। इसे भी आप प्रसाद के रूप में बाद में पहन सकते हैं जब नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे तब। तो ये हम यहीं पे रख देते हैं ये सारी चीज़ें, और इसमें से थोड़ा थोड़ा हम लगा देंगे और बाद में यूज़ कर लेंगे। तो इसे भी यहीं रख देते हैं। सिंदूर हम लगा चुके हैं, बिंदी, एक बिंदी भी लगा देते हैं। और सब पे थोड़े थोड़े अक्षत डाल देंगे। ये अक्षत में हम थोड़ा सा हल्दी मिला के और मिक्स कर लिए थे। अब हम वस्त्र के लिए ये मौली लेते हैं, तो सभी को थोड़ा थोड़ा तोड़कर ये मौली चढ़ा देंगे। ज्वार वाटिका के लिए, कलश के लिए, श्रीफल के लिए, दीपक के लिए, और माता रानी को तो हम चुनरी चढ़ाए हैं, साथ में ये इसे भी चढ़ा देते हैं। माता को भोग नैवेद्य चढ़ाने के लिए हमने कुछ फल लिए हैं, तो इसे चढ़ा देते हैं। जिस तरह से हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में, आप सब जानते होंगे कि विवाह के समय कोई भी शादी ब्याह होता है तो वो चुपचाप ऐसे नहीं करते हैं, कोई भी मंगल काम करते हैं, तो जैसे वहाँ का जो भी गीत रहता है वो गाते रहते हैं। तो इस टाइम पे भी आप देवी गीत गा सकते हैं या फिर मंत्र पढ़ सकते हैं मन में, या कुछ नहीं आता तो जय माता दी बोल सकते हैं। दोस्तों ये कुछ पंचमेवा और मिश्री है, मिश्री ले सकते हैं या बताशा ले सकते हैं, उसे भी चढ़ाएंगे। ये हम मिश्री इसी में मिला दे रहे हैं। और ये एक हम जनेऊ लाए हैं, तो ये गणपति देवता को चढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ी सी हम हल्दी लगा दिए थे, इसे भी शुद्ध करके। और माता को लौंग ज़रूर चढ़ाना चाहिए, पान का पत्ता, और इसके ऊपर हम ये दो लौंग ले लिए हैं। लौंग ऐसी चढ़ानी है जिसमें ये फूल हो, जिसका फूल गिरा हुआ हो वो ना चढ़ाइएगा। और शादीशुदा लोग दो लौंग चढ़ाते हैं, तो ये दो लौंग और दो इलायची, इसको भी हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं।
तो पूजा हमने सारी कर ली है, अब आरती के लिए ये पंचमुखी दिया लिए हैं और इसमें घी से 5 बत्ती बना लिए हैं। कपूर से भी कर सकते हैं मगर हम कपूर सबसे लास्ट में करते हैं, आरती खत्म होने वाली जब रहती है तो लास्ट में। और आरती के लिए ये हमने थाली तैयार की है तो इसमें ये रख देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये आरती की थाली तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कैसे बनाते हैं हम आपको बताएंगे। तो ये थोड़ा सा दीपक को भी शुद्ध करेंगे, थोड़े से चावल, और जो भी आप आरती करते हो, जो भी आपको आरती याद हो, जो भी आप गाते हो उसके साथ करेंगे। आज की हमारी नवरात्रि की पहले दिन की पूजा समाप्त हुई। व्रत और पूजा के दौरान हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी भूलें होती रहती हैं, उसके लिए माता से क्षमा मांग लें कि हे माता, हमसे जो कुछ भी गलतियां हुई हों इस पूजा के दौरान वो सब आप अपना बालक समझ के हमें क्षमा करें।